पूरे दिन के 24 घंटों में से आप हमें अपने सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। इन 10 मिनटों में हम आपको देश और दुनिया के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी से जुड़े हुए तमाम फैक्ट से अपडेट करना चाहते हैं, आपको मोटिवेट करना चाहते हैं इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के इस बुलेटिन का नाम है KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के साथ। भारत के एक टीचर को मिला 7 करोड़ का अवार्ड। कभी तबेले और गोदाम के बीच पढ़ाते थे। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के एक प्राइमरी स्कूल टीचर रंजीत सिंह डिस्ले को $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ भारतीय रुपए के इनाम के ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव के 32 वर्षीय रंजीत सिंह ने सम्मान पाने पर जीती हुई राशि को अपने साथ फाइनल्स में पहुंचे बाकी 9 प्रतियोगियों के साथ बांटने की घोषणा की है। ग्लोबल टीचर प्राइज यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो ऐसे शिक्षक को दिया जाता है जिसने अपने पेशे में आउटस्टैंडिंग योगदान दिया हो। रंजीत सिंह एक IT इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचने के बाद उनके पिता ने उन्हें टीचिंग ट्रेनिंग करने का सुझाव दिया। रंजीत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गए और वहां पहुंचकर उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। उन्होंने पाया कि कई आदिवासी लड़कियां जिनकी बाल विवाह कर दिया जाता है, उनको पढ़ने के साधन ही नहीं है और उनकी भाषा कन्नड़ है, लेकिन कन्नड़ में पाठ्य पुस्तक ही नहीं है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई की प्राथमिक भाषा जब कन्नड़ नहीं थी, जिसका अर्थ था कि कई छात्र पढ़ने में असहज थे, इसके लिए रंजीत ने स्वयं कन्नड़ सीखी और छात्रों के लिए Grade 1 से 4 तक की सभी किताबों को फिर से डिजाइन किया। इन किताबों को उन्होंने यूनिक QR कोड के साथ डिजाइन किया, जिससे ऑडियो कविताओं, वीडियो लेक्चर, कहानियों और असाइनमेंट्स को एम्बेड किया जा सके। केंद्र सरकार ने डिस्ले को साल 2016 के इनोवेटिव रिसर्चर के रूप में नामित किया था। उन्होंने 2018 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। रंजीत सिंह ने इस और भी पहल की है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हर साल दुनिया के युद्ध पीड़ित देशों के कम से कम 5,000 छात्रों को एक शांति सेना में भर्ती किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाने वाले रंजीत सिंह के संघर्ष की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 की। स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट निर्माता एरिक्सन ने अपनी लेटेस्ट एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2026 तक 10 में से 4 स्मार्टफोन्स में 5G कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस साल यानी साल 2020 के अंत तक 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास 5G कवरेज का एक्सेस होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ यानी दुनिया की कुल आबादी के 15% हिस्से के पास 5G कवरेज का एक्सेस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ लोग 5G कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुनिया की 15% आबादी 5G कनेक्टिविटी वाले एरिया में रह रही होगी। वहीं इस वक्त तक 5G सब्सक्रिप्शन 3.5 बिलियन यानी 350 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। एरिक्सन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2026 तक कुल स्मार्टफोन यूजर्स में से 27% लोगों के पास 5G सब्सक्रिप्शन होगा। भारत में LTE की सदस्यता साल 2020 में 710 मिलियन से बढ़कर साल 2026 में 820 मिलियन हो जाने का अनुमान है। भारत में पिछले कुछ समय में वर्क फ्रॉम होम के चलते इंटरनेट कंजप्शन काफी बढ़ गया है। स्मार्टफोन यूजर्स का एवरेज टैरिफ 2019 में एक महीने में 13.5 GB से बढ़कर साल 2020 में 15.7 GB हो गया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में किए गए एक ऑब्जर्वेशन के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति का अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे किसी भी जाति या धर्म के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में इसी तरह के मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही बात कही है। ऐसे में जब कर्नाटक सरकार कथित लव जिहाद को लेकर एक कानून लाने वाली है, ऐसे में हाई कोर्ट का यह आदेश अहम हो जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने हाल ही में एक मुस्लिम हिंदू जोड़े सलामत अंसारी और प्रियंका खानवार उर्फ आलिया के मामले में फैसला सुनाते हुए अपनी पसंद से किसी से भी शादी करने को फंडामेंटल अधिकार बताया था। ये भी रिवाइज कर लीजिए कि इस समय यूपी MP समेत कई राज्य अंतर धार्मिक विवाह पर सख्त कानून ला रहे हैं। यूपी में कानून में अगर पाया गया कि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है, तो उसमें आरोपी को अपराध सिद्ध होने के बाद 1 से 7 साल तक की सजा देने का प्रावधान शामिल है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएससी यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का खुलासा हुआ है। देश में सभी प्रमुख ब्रांड के शहद में जबरदस्त मिलावट की जा रही है। मिलावट का हाल सिर्फ सड़क किनारे बिकने वाले शहद का ही नहीं बल्कि नामी ग्रामी ब्रांडेड शहद का भी है। सीएससी की महानिदेशक सुनीता नारायण ने इसे खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय बाजारों में बिक रहे शहद के लगभग सभी ब्रांड्स में जबरदस्त तरीके से शुगर सिरप की मिलावट हो रही है। इसी संगठन ने साल 2003 और 2006 के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक की उपस्थिति का खुलासा किया था। वर्तमान नियम 18 पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करते हैं जो शहद उत्पादकों के लिए इसे शुद्ध शहद के रूप में लेबल करते हैं। सीएससी के मुताबिक 70% नमूनों में शुगर सिरप की मिलावट पाई गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट परीक्षण में 13 ब्रांड में से सिर्फ 3 ब्रांड ही पास हो पाए। उनका कहना है कि शहद की शुद्धता की जांच के लिए तय भारतीय मानकों के जरिए मिलावट को नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि चीन की कंपनियां ऐसे शुगर सिरप तैयार कर रही हैं जो भारतीय जांच मानकों पर आसानी से खरे उतरते हैं, जबकि NMR टेस्ट में मिलावट पकड़ में आ सकती है। NMR से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी समझ लीजिए। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगा सकता है। भारत में कानून के मुताबिक भारत में स्थानीय रूप से मार्केट किए जा रहे शहद के लिए NMR परीक्षण की आवश्यकता नहीं है लेकिन निर्यात के लिए यह आवश्यक है। रुक करते हैं अगली खबर का। चीन ने कम से कम 3 दशकों में पहली बार भारतीय चावल का आयात करना शुरू किया है। भारत चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है और चीन सबसे बड़ा आयातक है। बीजिंग सालाना लगभग 4 मिलियन टन चावल का आयात करता है लेकिन गुणवत्ता का हवाला देते हुए भारत से खरीदने से बचता रहा है। सीमा पर जारी विवाद के बीच भी चीन ने भारतीय व्यापारियों से दिसंबर फरवरी के लिए 3,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 1,00,000 टन चावल का आयात करने का अनुबंध किया है। इंडियन ट्रेड ऑफिशियल के मुताबिक चीन के पारंपरिक चावल आपूर्तिकर्ता देश जैसे थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान के पास निर्यात के लिए सीमित मात्रा में ही अनाज है और वे भारत की तरफ से तय कीमतों के मुकाबले प्रति टन $30 ज्यादा की मांग कर रहे हैं। अब जानिए क्या है लखनऊ नगर निगम बॉन्ड, जिसकी सीएम योगी की मौजूदगी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई है। लखनऊ नगर निगम की बॉन्ड की लॉन्चिंग के बाद यूपी सरकार गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और कानपुर के नगर निकाय के बॉन्ड लॉन्च करने की तैयारी में है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड असल में एक तरह का साख पत्र होता है जिसके तहत आम जनता या संस्थाओं से धन जुटाया जाता है। इसमें एक बॉन्ड जारी करने वाली संस्था एक निश्चित समय के लिए रकम उधार लेती है और निश्चित रिटर्न यानी ब्याज देने के साथ मूलधन वापस करने की गारंटी भी देती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए जा रहे हैं। शहर में विकास कार्यों को जारी रखने के लिए सरकार से पैसा लेने की जगह इस तरह से बॉन्ड जारी कर नगर निगम पैसा जुटाते हैं। अब तक देश में मुनि बॉन्डों के माध्यम से 3,600 करोड़ रुपए की संचय राशि जुटाई गई है। इस तरह के बॉन्डों का उपयोग करके उठाया गया धन आमतौर पर सड़क, पानी और आवास जैसी इंफ्रा परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी बॉन्ड ने BSE से 200 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। 2015 में बाजार नियामक SEBI ने मुनि बॉन्ड के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए रूपरेखा जारी की थी। अब जानिए आर्ट पार्क के बारे में सब कुछ। बेंगलुरु में स्थापित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क महत्वाकांक्षी मिशन मोड RND परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करके AI और रोबोटिक्स में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देगा। आर्ट पार्क इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक यूनिक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जो एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल में AI फाउंड्री द्वारा सपोर्टेड है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए $22 मिलियन यानी करीब 170 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग की गई है। आर्ट पार्क डाटा सेतु को विकसित करेगा जो डेटा साझा करने के लिए गोपनीयता और प्राइवेसी प्रिजर्विंग फ्रेमवर्क को सक्षम करेगा। साथ ही डेटा शेयरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने वाले एनालिटिक्स को चलाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन और सॉल्यूशंस को बढ़ाते हुए एक डेटा मार्केटप्लेस बनाएगा। बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसमें आर्ट एंड कल्चर का फ्लेवर भी है और इंटरनेशनल अफेयर्स का फ्लेवर भी है। SCO ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुई है, उससे जुड़े बैकग्राउंड और वे फॉरवर्ड समझ लीजिए। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने साझा बौद्ध विरासत पर पहली बार SCO ऑनलाइन प्रदर्शनी शुरू की। इससे SCO सदस्य देशों के साथ सक्रिय सहयोग के जरिए नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली द्वारा विकसित किया गया। इसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस,
तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के संग्रहालय पार्टिसिपेंट हैं। ये लॉन्चिंग नई दिल्ली में आयोजित शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स की 19वीं बैठक के दौरान हुई थी, जहां भारत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद SCO देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बौद्ध दर्शन और मध्य एशिया की कला SCO देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। 3D वर्चुअल फॉर्मेट में गांधार, मथुरा स्कूलों, नालंदा, अमरावती और सारनाथ जैसे भारतीय बौद्ध खजाने की झलक मिलती है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझ लीजिए। ये एक स्थायी अंतर सरकारी, अंतरराष्ट्रीय और एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए इसे बनाया गया था। SCO को एशिया प्रशांत में केंद्रीयता के कारण व्यापक रूप से अलायंस ऑफ द ईस्ट भी माना जाता है। ये भौगोलिक कवरेज और आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशियन महाद्वीप के 3/5 हिस्से और मानव आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इसके सदस्य हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, और डायलॉग पार्टनर्स हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। बायोडायवर्सिटी से जुड़ी खबर की बात करते हैं। असम के सिलचर में एक मछली बाजार से एक लुप्त होती प्रजाति के कछुए को रेस्क्यू किया गया है। इस प्रजाति के कछुए का नाम है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल या निल्सोनिया हर्म। दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला कछुए की प्रजाति है। इसे IUCN रेड सूची में एक कमजोर प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की एक स्केड्यूल वन प्रजाति है, जिसे उच्चतम संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है हम जो ये बुलेटिन आपके लिए बना रहे हैं, इनमें खबरें और इनके फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे, आपके काम आ रहे होंगे। आप अपने टाइम का इसी तरह यूटिलाइज करते रहिए, हमारी इस मेहनत को, इस प्रयास को इसी तरह लाइक करते रहिए और कमेंट देकर अपना फीडबैक अवश्य दें। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।